हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं वीकली एनालिसिस की वीडियो में क्या होने वाला, किस तरह से हमारी इस वीक में ट्रेडिंग होने वाली है। इस वीक में हम जो एनालिसिस करेंगे, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट की करेंगे, जो करंट में भी चल रहा है अप्रैल का, उसके बाद में जून का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है, किस तरह से हमें उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए देखना है। हम सबसे पहले, अगर आप ट्रेंड नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में यहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाता है, इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें टाइम टाइम में मिलती रहती हैं। इसमें आपको मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसमें क्या होने वाला है। इसमें अगर आप बने हुए हैं तो आप अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करके नेक्स्ट उसमें देख सकते हैं, या फिर आप डिलीवरी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि जो करंट अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है, अगर इसमें हम ऊपर चलते हैं तो ये हमारा होता है एज ए रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट जहां से रिएक्ट किया है। तो मार्केट का जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है 77,500 के अराउंड में है, यहां से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो एज ए रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारा हो जाएगा 3 से और डॉटेड लाइन से हमारी सॉलिड लाइन हो गई। अब नीचे इसको देखते हैं तो 71,000 ये इसके लिए लेवल बना हुआ है, तो ये मार्केट इस रेंज में इसकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर आप इसमें सेल साइड अपॉर्चुनिटी के लिए बने हुए हैं तो मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वीक होके नीचे की तरफ आने वाला है। इसको 72,000 बहुत स्ट्रांग बेस से रोकने वाला है। अगर उसके बाद भी वो भी ब्रेक कर जाता है तो मार्केट के लिए जो 70,000 का लेवल है, ये इसके लिए एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये दोनों इसके लिए सपोर्ट है फ्रेंड्स। अभी इसके बाद फर्दर मार्केट के लिए हम एक स्टेप ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो लास्ट वीक में जो हमारी एनालिसिस थी, मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हो चुका है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं, जो इसका प्रीवियस कैंडल है वीक का और करंट वीक का, ऑलमोस्ट जो इसकी क्लोजिंग हुई है और उसकी ओपनिंग है सिमिलर लेवल पर हुई है। अब यहाँ से मार्केट अगर 74,000 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर इसको रोकने के लिए 72,000 का ही लेवल बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लाइन ड्रा करनी होगी सपोर्ट की, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पे बिगली टाइम फ्रेम में 76,124 का लेवल है, और नीचे का जो इसके लिए सपोर्ट बना हुआ है वो 73,900 का लेवल है। तो बिगली टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ घुमा है, इसको आप यहाँ से देखेंगे तो 73,900 से लेकर 76,000, मतलब 2000 पॉइंट के आसपास मार्केट घुमा है, अप एंड डाउन किया है। अब इसके बाद में फर्दर अगर थोड़ा सा और देखते हैं तो नीचे 72,000, उसके बाद 70,000 का लेवल है, और ये जो रेंज बनी हुई है 70,000 के आसपास, इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन, जो मैंने आपके लिए मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी। ये जो जोन बना हुआ है, ये इसके लिए डिमांड का काम करने वाला है। डिमांड जोन मतलब यहाँ पर बायर्स काफ़ी आपको मिल सकते हैं, जो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, इनकेस अगर ये इस लेवल में आता है तो ये आपके लिए एज ए डिमांड जोन का काम करने वाला है। तो यहाँ आप देखते हैं ये आपके लिए डिमांड जोन होगा, क्योंकि यहीं से मार्केट मल्टीपल टाइम कई वीक बिताया है, उसके बाद ब्रेकआउट किया तो थोड़ा रुक के ऊपर निकला है। अब हो सकता है नीचे टच करने आया, लेकिन ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद में जो सिल्वर माइक्रो का इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है और जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, दोनों में चेंज ये होता है कि ओपनिंग उसकी उस लेवल पर होती है जहाँ पर वो करंट में चल रहा होता है। तो यहाँ से जब हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओपनिंग स्टार्ट होगी, अप्रैल का एक्सपायर हो जाएगा, करंट में ये जिस लेवल पे रहेगा वहाँ पे जाके ओपन हो जाएगा। तो इन दोनों के लेवल्स की अगर बात करते हैं तो जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 75,800 के आसपास चल रहा है, और ये 74,400, मतलब 1400 पॉइंट के आसपास का दोनों में गैप बना हुआ है। तो ये गैप आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मार्केट अभी इस रेंज में बना हुआ है, आपके लिए हायर और लोअर रेंज इसके लिए यही रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद देख लेते हैं तो ये जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है, जो मैंने आपके लिए रेंज डिमांड जोन बताया था, डिमांड जोन आप देख सकते हैं क्यों मैंने ड्रा किया था, वीकली के बाद डेली टाइम फ्रेम में कैसे आपको रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे भी एक मार्केट ये डिमांड का काम कर सकता है ये, लेकिन ये उतना अच्छा डिमांड जोन नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि हर डिमांड जोन का अलग अलग लेवल होता है। अगर यहाँ से आप देखते हो, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है मार्केट ऑल टाइम हाई तक गया है, उसके लगभग पास गया है, ऑल टाइम हाई नहीं टच कर पाया था, और दोबारा इस लेवल पे आके ये खड़ा हुआ है। तो ये जो करंट लेवल इसके लिए है, ये एज ए
डिमांड का काम कर सकती है, लेकिन अगर इसको ये ब्रेक करता है 74,000 73,900 800 के नीचे निकलता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि मार्केट वीक हो चुका है और वहाँ से आपको सेल साइड अपॉर्चुनिटी लगभग आपको 2000 पॉइंट से 2500 पॉइंट के नीचे मिल सकती है, जो कि ये छोटे छोटे कैंडल्स बनाए हैं। ये छोटी सी कैंडल जो आपको दिख रही है हाई और लो में, ये बहुत अच्छा डिमांड का काम कर सकती है, यहाँ से ऊपर लेके जाने के लिए रेडी रहेगी। और ये ऊपर ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है या फिर सप्लाई जोन का काम करने वाला है, 76,000 से लेकर 77,400 तक का लेवल। ये दोनों रेंज आपके लिए रेडी है, इसी रेंज में मार्केट ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन करना चाहिए। इनकेस अगर इसके नीचे निकल जाता है फ्रेंड, तो ये फिर 72,000 का लेवल इसको रोकने की कोशिश करेगा, और वो अगर रोकने में कामयाब नहीं होता है तो मंथली एक्सपायरी भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी भी है, तो ये 70,000 का लेवल भी कम टच कर सकता है और ये डिमांड जोन इसके लिए काफ़ी कुछ काम कर सकती है एज ए सपोर्ट के लिए। इसके बाद में अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे नहीं आता है, जो कि इसका प्राइस एक्शन बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है और धीरे धीरे नीचे क्लोजिंग कर रहा है। अब मंडे की ओपनिंग इसको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर इस जोन में ओपन होता है और नीचे निकलता है तो डेफिनेटली ब्रेक करेगा। अगर इस जोन में ओपन होता है और धीरे धीरे करके इसी रेंज में क्लोज करता है तो मार्केट की एक्सपायरी इसी रेंज में 76 से लेकर 74,000 के बीच में होने वाली है। तो इन दोनों के लिए आपको रेडी रहना होगा। अब इसके बाद में एक स्टेप हम और देख लेते हैं, 4 आवर सेटअप में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी हमारा एक बी बिल्डिंग हो जाती है। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं 4 आवर सेटअप में फ्रेंड्स, तो ये रेंज जो मैंने आपके लिए बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो नेक्स्ट रेंज बनती हुई दिख रही है वो ये जोन है। ये सारे जोन नीचे की जोन जो है वो एज ए सपोर्ट या फिर डिमांड का काम करते हैं, और जो ऊपर के जोन्स होते हैं वो एज ए रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई का काम करते हैं। तो ये जोन आपको सप्लाई का काम करने वाला है, जो कि 76 से लेकर 77,000 का लेवल है। इसके पास ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत बाई या फिर सेल कर लेना है। यहाँ जाने पर मार्केट में आप थोड़ा सा वहाँ पे वॉच कर सकते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्शन कर रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तुरंत आपको सेल करना, अगर यहाँ आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको बाइंग के लिए देखना होता है। 75 के ऊपर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ देख सकते हैं, मार्केट दोबारा 75,500 होता है और 76,000 तक लेवल जा सकता है, लेकिन ऊपर ये 77,000 को अभी इतने आसानी से ब्रेक नहीं करने वाला है। तो ये सारे लेवल्स हैं फ्रेंड्स, आपको इस लेवल को ध्यान में रख के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपनी देखनी है। ये अभी जो हमने एनालिसिस किया है सारे लेवल्स जो हैं अभी करंट जो चल रहा है इसके लिए है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर हम 9 जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर के, तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो जो 75,900-800 का लेवल बना हुआ है मार्केट के लिए, अगर इसके हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ भी प्राइस एक्शन और प्राइस पैटर्न दोनों का सेम है, बस इसका क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो 78,800 ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जो कि हम ड्रा कर लेते हैं 3 से, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है, रेड लाइन हो जाएगी। अब उसके बाद तुरंत हम नीचे अगर आना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट 74,000 का 75,147 का है। अगर उससे भी नीचे चलते हैं तो हमारा ये जो मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 73,400 का लेवल है। तो ये दोनों रेंज इसके लिए अभी सपोर्ट और रजिस्टर हो गए। इसके बाद फर्दर अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो एक जो और रेंज हमारे लिए बनती हुई नज़र आएगी वो लगभग 70,000 के आसपास बनती हुई आएगी, 71,000 के लेवल पर। तो ये भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। अब इसके बाद में हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स, जून का कॉन्ट्रैक्ट है ये, कंफ्यूज मत होइएगा। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये जो रेंज बना हुआ था दोनों का प्राइस पैटर्न और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये जो रेंज है इसके लिए डिमांड का काम करने वाली, जो अभी मैंने करंट में आपके लिए ड्रा किया है। यहाँ भी हम एक डिमांड जोन की मार्किंग कर लेते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, इसको मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए डाउन साइड में 71,000 का लेवल, क्योंकि बहुत मल्टीपल टाइम हिट करके ये ऊपर निकला है। अगर इस कैंडल ने इसके नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर आप जान मान लीजिए कि मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस रेडी हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं दोनों कैंडल का लेवल देखते हैं, लगभग इसने सिमिलर लेवल पे आया है लेकिन वहाँ से रिकवर कर गया है, ये इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अभी अगर ये ऊपर निकलता है तो ये इसके लिए 78,800 का लेवल इसके लिए सप्लाई जोन है और यहाँ पे ये डिमांड जोन है। तो इन दोनों जोन्स के बीच में मार्केट अप एंड डाउन करेगा, आपको वो ध्यान में रख के अपना ट्रेडिंग का प्लानिंग करना है। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम और थोड़ा बैक साइड चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही मार्केट घूम रहा है, तो यहाँ पे जो लेवल है
हायर साइड का जो रेंज है वो आपके लिए 78,000 और फिर 80,000, ये सारे लेवल्स इसके लिए अभी दिख रहे हैं जो कि जून कॉन्ट्रैक्ट में है। और इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, ऑल टाइम हाई इसने जो लगाया था जून कॉन्ट्रैक्ट ने, ये लगाया है 80,500 का लेवल। तो इन केस मार्केट अभी इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ जाने के कंडीशन में नहीं लग रहा है, लगभग 78,650 के आसपास तक गया है, उसके बाद में ये नीचे आ गया है। क्या क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा सप्लाई फेस कर रहा है, तो सप्लाई फेस करने के साथ ही मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से वीकनेस भी रहने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने उस हिसाब से प्लानिंग करना होता है कि हम इसमें किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सप्लाई जब भी होता है या ऑल टाइम हाई होता है वहाँ पर थोड़ा सा ही हमें अगर फेस होता है कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है नेगेटिव सेंटीमेंट, तो तुरंत हम सेल साइड अपॉर्चुनिटी के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका फॉलोअप डाउन साइड आता है फ्रेंड, 75,300 के नीचे निकलता है ये, तो फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे, फर्दर ये 2000 पॉइंट का डाउन मूव करने के लिए रेडी रहेगा। तो इसके लिए ये एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है। अब इसमें डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, तो जून का कॉन्ट्रैक्ट है डेली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ देखते हैं, तो मार्केट का जो ये रेंज है ये एज डिमांड जोन का काम करने वाला था, जो मैंने आपको ऑलरेडी ड्रा किया है। इस जोन पे मार्केट काफ़ी टाइम बिताया है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इन केस इसको ये ब्रेक करता है तो फिर 69,000 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता है। मार्केट इतना वीक एक वीक में नहीं हो सकता है, धीरे धीरे करके आने वाला है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना टेक केयर करके रखिएगा। ये जो इसने रेंज बनाया है, रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेली टाइम फ्रेम के लिए। इन केस ये 77,000 के ऊपर निकलता है तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा। ये हम जो अभी देख रहे हैं सारी चीज़ें जून के कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे थे, इससे पहले जो हम देख रहे थे वो हमारा था अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट, जो करंट चल रहा है वो एक्सपायर हो जाएगा इस वीक में, कमिंग वीक में। तो अगर यहाँ से आता है तो धीरे धीरे करके हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये जो इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है फ्रेंड्स यहाँ टॉप पर जाके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब भी इसके पास जाएगा दोबारा से फेस कर सकता है रेजिस्टेंस को। साथ में ये जो इसने यहाँ पर रेंज बना रखी है, रेंज को आप देखते हैं तो इसी कारण से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रुक रहा है। जैसे इसका रेंज निकलता है तो भी मार्केट यहाँ से डाउन मूव आपको दिखाई पड़ेगा। मैं रेंज की अगर यहाँ से ड्रा करता हूँ कुछ कैंडल, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस रेंज में मार्केट क्लोज करने के लिए रेडी हो गया है। ये रेंज इसके लिए इम्पोर्टेंट बनी हुई है। उसके बाद में करंट रेंज अभी इसकी ये काम करने वाली है। जो छोटे छोटे कैंडल्स हैं ये सारे कैंडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस रेंज में ऐसा नहीं मार्केट आएगा सडन कुछ करने वाला है, लेकिन ये जो रेंज बनाया है इस रेंज में मार्केट धीरे धीरे करके इस लेवल तक आ सकता है। उसके बाद में फर्दर जो स्ट्रांग, जैसे हम डिमांड जोन का लेवल दे तो एक नंबर पे हमारा ये रहेगा, ये टॉप रहेगा, उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे ये आता है और थर्ड पोजीशन पे हमारा ये आता है। तो सबसे पहले थर्ड को अगर ब्रेक करता है तो सेकंड इसको रोकने के लिए रेडी है, उसके बाद में फर्स्ट के आसपास आता है तो ये इसके लिए रोकेगा। तो इन सब लेवल्स को आपको रेडी रहना है और देखना है। इसके बाद में फर्स्ट हम देख लेते हैं 4 आवर सेटअप है, तो 4 आवर सेटअप में भी सारे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन परफेक्टली तरीके से रिस्पेक्ट होते हैं, तो उसको आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में इम्पॉर्टेंट तरीके से यूज करना है। मैंने आपकी जो आज की वीडियो बनाई थी जिसमें आपको पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया है कि आपको किस तरह से उसमें ट्रेडिंग के लिए प्लान करना होता है डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे। यहाँ अगर आप देखते हैं फ्रेंड, तो हमारा जो लेवल है, अगर मार्केट ऊपर 77 के ऊपर निकलता तो 78,900 ये सारे लेवल्स रहेंगे। लेकिन इस लेवल पर ये 2-3 बार आ चुका है, यहाँ ये टाइम बिताया था, इस टाइम के कारण ही यहाँ ये डिमांड बन गया है और इस डिमांड को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये देखिए नीचे की तरफ फॉर्मेशन भी करता हुआ जा रहा है। इन केस 75,300 उसके बाद 75,000 को निकाल देता है नीचे, तो फिर इमीडिएट 74,000 से भी नीचे होता है, 73,500 का लेवल इसको रोकने के लिए बैठा हुआ है। मतलब 1,500 पॉइंट का यहाँ पर इमीडिएट आपको कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है, नीचे आने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स ये हमारी दोनों रेंज आपके लिए हो गई, दोनों में आपके सेंटीमेंट्स लगभग नेगेटिव ही बने हुए हैं। हम पॉजिटिव तभी होंगे जब इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स, ऐसा जो इसने रेंज बनाया है 4 आवर सेटअप में, इसके ऊपर 77 के ऊपर निकलता तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं 1000 से लेके 1200-1300 पॉइंट तक का, 1000-1200 पॉइंट तक का ऊपर रेंज है। लेकिन अगर इनके से 75,300 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे इसके लिए 2000 पॉइंट का रेंज खुल जाएगा। तो ये दोनों अप्स एंड डाउन्स हैं फ्रेंड, इस बेस से आप अपना ट्रेडिंग प्लान करिएगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आप जब भी एंट्री करिए, कोई भी एंट्री करेक्ट नहीं होती है, बस आपको स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड के साथ में एंट्री लेना है डिमांड जोन या सप्लाई जोन पर, जिस तरह से आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फिर आप
कोई भी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एक बार मिलते हैं फिर।